में यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप स्विच बोर्ड या स्विच आप प्रेस करते हो, ऑन करते हो, तो आपको हल्का सा करंट महसूस हुआ होगा। तो ये सब इफेक्ट है अर्थिंग की। अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं किया होगा तो जब लीकेज करंट होगा वो आप में से पास होगा और उसकी वजह से आपको करंट लगेगा। तो चलिए इसे थोड़ी इजी तरह से समझते हैं कि एक्चुअली ये अर्थिंग होता क्या है और इससे फायदा क्या है हमको, और अर्थिंग लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पे जो एक डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक लाइन और एक फेस है और उसमें से करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे एक ह्यूमन भी है जो किसी बोर्ड को टच करता है तो करंट है वो उसके अंदर से पास हो रहा है, इसलिए क्या है उसको करंट लगेगा और उसको झटके महसूस होंगे। और ये क्या होता है, एसी सप्लाई होता है आपके घर में जो आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस ऐसे रहती है, यानी कि 50 हर्ट्ज रहती है, जो एसी करंट में वो पकड़ के नहीं रख सकती, वो ऐसे झटके इसलिए लगते हैं। जो डीसी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो कांस्टेंट रहता है, तो अगर डीसी में अगर आपको करंट लगेगा तो आपको फेंकेगा नहीं, वो आपको पकड़ के रखेगा, सो उसमें खतरा ज्यादा है। सो अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ह्यूमन जो बॉडी है उसमें से करंट पास हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं, अभी अगर अर्थिंग किया हुआ होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम। तो इस डायग्राम में है कि हमने प्रॉपर एक अर्थिंग फिट किया हुआ है, तो इसमें भी लाइन और फेस दो जो है उसमें से लाइन करंट पास हो रहा है, तो जो फॉल्ट करंट है वो ह्यूमन बॉडी जब टच करेगा तभी उसमें से पास नहीं होगा, वो अर्थिंग से अर्थिंग हो जाएगा। तो यही फर्क है अर्थिंग का। अगर अर्थिंग प्रॉपर किया हुआ है आपके घर में या कहीं इंडस्ट्री में आप जहाँ पे काम कर रहे हो या फिर कोई भी सबस्टेशन या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका अर्थिंग किया हुआ है, उसके बॉडी में से भी आपको करंट, फॉल्ट करंट आपकी बॉडी में से पास नहीं होगा, इसलिए आपको करंट नहीं लगेगा। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ यू कनेक्टेड अर्थिंग और नॉट। सो अर्थिंग की वजह से एक हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, अर्थिंग रोड। तो जो भी सबस्टेशन में वर्क करते हैं उसको पता होगा अर्थिंग रोड का इम्पोर्टेंट क्या है। तो अर्थिंग रोड आप जो देख रहे हैं अभी वो अर्थिंग रोड है। सो अर्थिंग रोड हम कब यूज करते हैं, तो जब हम 66 केवी या 132 या 220 या 400 केवी का सबस्टेशन, कोई भी सबस्टेशन होगा, अगर हम एलसीपी लेते हैं यानी कि लाइन क्लियरेंस लेते हैं और कुछ काम करना हो हमको, तो सबसे पहले हम आइसोलेटर ओपन करते हैं और आइसोलेटर ओपन करके हम अर्थिंग करते हैं। तो जो लाइन के साइड आइसोलेटर हो गए उसको हम लाइन का अर्थिंग भी, अर्थिंग स्विच दी हुई होगी, तो आइसोलेटर जब हम ओपन करेंगे और उसके बाद अर्थिंग स्विच दे देंगे तो डायरेक्ट वो अर्थ हो जाएगा पूरी लाइन। लेकिन पीछे का क्या, जो ट्रांसफॉर्मर साइड के आइसोलेटर हो गए उसको हमको अर्थिंग करना है, तो उसके लिए आता है पोर्टेबल अर्थिंग। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो पोर्टेबल अर्थिंग है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि ये एक अर्थिंग रोड आता है, उसमें सबसे पहले एल्यूमिनियम या कॉपर या ऐसे काफी सारे टाइप्स आते हैं, तो उसमें एक हुक आता है जो लाइन पे कंडक्टर पे लगता है, उसके बाद आता है कॉपर का वायर जो अंदर की तरह रहता है और उसके बाहर एक हार्ड बॉडी दी हुई होती है, जो हुक है उससे कनेक्टेड होता है कॉपर वायर और डायरेक्ट नीचे की तरफ हुक आता है जो हमको अर्थिंग करना होता है। तो अर्थिंग रोड की बनावट ऐसी है, अब पिक्चर में देख के भी समझ जाओगे। सो जब भी आइसोलेटर ओपन होते हैं ट्रांसफॉर्मर साइड के, तो हम अगर उसको लोकल अर्थिंग कर देते हैं, यानी इसको लोकल अर्थिंग बोलते हैं, क्योंकि क्या है अर्थिंग रोड से हम लाइन सेट के आइसोलेटर को अर्थिंग देंगे, इसलिए लाइन अर्थिंग होगी, अर्थ होगी। और दूसरा क्या है, लोकल अर्थिंग क्या है कि वन टाइप ऑफ द सेफ्टी। सो अगर हम लोकल अर्थिंग करेंगे तो आर वाई बी, तो तीनों फेज में अर्थिंग करेंगे, सो अलग अलग रोड आते हैं आर वाई बी का, तीनों का अलग अलग। काफी टाइम के ऐसा होता है कि तीनों लाइन में ये भी यूज होता है कि तीनों अर्थिंग आता है फिर एक ज्वाइंट आ जाता है और एक ही ग्राउंड आता है। तो आप जो अभी देख रहे हैं वो इस टाइप का आता है, इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों वायर, तीनों केबल जो कनेक्ट किए होते हैं और आउटपुट में सिर्फ एक ही केबल है जो आपको अर्थिंग करना है, तो आप अर्थ स्विच पे जो लगा देंगे और तीनों अर्थिंग कर देंगे तो भी चलेगा।
सो तीनों एक साथ अर्थिंग हो जाएंगे। और इसमें पोर्टेबल में क्या होता है, पर लाइन पर अर्थ रोड आता है, यानी कि आर का आर फेस में आपको अर्थिंग करना है तो एक अर्थ रोड आएगा, वाई और बी सो एक एक आएगा। सो अर्थिंग रोड में आप 11 केवी साइट का कुछ भी हो तो आप अर्थिंग करके, ये लोकल अर्थिंग से अर्थिंग करना होता है और उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। तो जिसका क्या है कि लीकेज करंट या कुछ माइनर करंट कंडक्टर में होगा वो अर्थ हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थिंग रोड। एंड अगर सबस्टेशन में आप काम करते हो तो अर्थिंग रोड का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। तो जब भी आप LCB ले, कुछ भी काम करना हो लाइन साइड पे, तो अर्थिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी का सवाल है। और सेफ्टी शूज और हेलमेट का यूज 100% कीजिए, क्योंकि उसके अगर सेफ्टी शूज भी आपने पहने होंगे तो भी आपको आपकी कहते हैं कि कुछ आपका जो नसीब कहते हैं, नसीब होगा तो क्या है, अगर सेफ्टी शूज पहने होंगे तो उससे भी बच सकते हैं लोग। तो काफी उदाहरण हमने देखे हैं कि सेफ्टी शूज से काफी फर्क पड़ता है। सो हेलमेट और सेफ्टी शूज जरूर पहनिए और अर्थिंग रोड का यूज भी खास कीजिए आप लाइन LCP के टाइम, और लाइन जब शुरू करे तब प्रॉपर अर्थिंग जो किया हुआ है उसको निकालिए, फिर आप लाइन शुरू कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।